सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन सीमा पर आए दिन कुछ न कुछ हरकत करता रहता है। लद्दाख में पैंगोंग झील पर पुल बनाने का मामला हो या फिर अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों का नाम बदलने का विवाद हो, चीन अपनी इस हैकड़ी से बाज नहीं आ रहा है। इन सब विवाद के बीच आज सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच 14वें दौर की वार्ता हो रही है। इस सैन्य बातचीत से पहले मंगलवार को चीन ने कहा था कि भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा हालात सामान्य हैं। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, इस वक्त चीन भारत सीमा पर स्थिति स्थिर है। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत चीन के साथ काम करेगा। सूत्रों के मुताबिक चीन के साथ हो रही इस वार्ता का मुख्य केंद्र बिंदु हॉट स्प्रिंग इलाके में सैनिकों को पीछे हटाना है। वहीं ये उम्मीद की जा रही है कि भारत टकराव वाले सभी जगहों पर सैनिकों को पीछे हटाने के लिए जोर देगा। बता दें कि 13वें दौर की सैन्य वार्ता 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी और गतिरोध दूर नहीं कर पाई थी। भारत और चीन पिछले साल 18 नवंबर को अपनी डिजिटल राजनयिक वार्ता में 14वें दौर की सैन्य वार्ता करने को सहमत हुए थे, ताकि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। बता दें कि चीन और भारत के बीच पिछले 20 महीने से तनाव बना हुआ है। पैंगोंग झील इलाके में 5 मई 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प होने के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पैदा हुआ था। सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों के साथ साथ गोगरा इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया दोनों पक्षों ने पिछले साल पूरी की थी। एलएसी के संवेदनशील इलाकों में फिलहाल दोनों देशों के करीब 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। भारत चीन को हमेशा ही उसकी भाषा में जवाब देता आया है। अब देखना होगा कि चीन के साथ इस बातचीत में क्या नतीजा निकलता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।